कंप्लेन जाना चाहते हैं, इतना शिकायत है आपका पब्लिक का, आपकी सरकार तनख्वाह देता है ना, कितने भरता है उसे? गलत काम करिएगा FIR भी करवाएंगे और गिरफ्तार करा के जेल भेजेंगे, बाद में सरकार के यहाँ भी प्रपत्र का गठित होगा, पब्लिक को परेशान मत करिए, इलाज का नहीं दे रहे हैं आपको। बिहार में बिहार सरकार के मंत्री हों या पदाधिकारी, आपस में जिस तरीके से टशन रख रहे हैं, जिस तरीके से आपस में झड़प चल रहा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक ऐसा मामला लेकर के आया हूं, जिस मामले में मंत्री ने एक अधिकारी की जम करके क्लास लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशपा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। लेकर के चलता हूं आप लोगों को जमुई। जमुई के इस समय प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, जो कि जमुई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। जैसे ही वो सभा में पहुंचे, वहां के अंचलाधिकारी की शिकायत लेकर के लोग उनके पास पहुंच गए और शिकायतों का पिटारा उनके सामने खोल दिया। उनकी शिकायत सुनते सुनते अशोक चौधरी भड़क गए और उसी वक्त CO साहब से उनका सामना हो गया। फिर उन्होंने CO की जमकर क्लास लगा दी। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रभारी मंत्री कहें या भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी CO साहब का जम करके क्लास लगा रहे हैं। जेल जाना चाहते हैं, इतना शिकायत है आपका पब्लिक का, आपकी सरकार तनख्वाह देता है ना, कितने भरता है उसे? ऐसे नहीं करते हैं आप, 50 साल शिकायत यही कर शिकायत है, बहुत शिकायत है आपका, अभी गलत फहमी भी मत रहिए, गलत काम करिएगा FIR भी करवाएंगे और गिरफ्तार करा के जेल भेजेंगे, बाद में सरकार के यहाँ भी प्रपत्र का गठित होगा, पब्लिक को परेशान मत करिए, सब जो धंधा ऐसे कर रहे हैं गलत बात है, सब बहुत शिकायत है आपका, इलाज का नहीं दे रहे हैं आपको। वैसे तो बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों की भरमार है, जिनकी क्लास लगती ही रहती है, जिनके ऊपर निगरानी का डंडा चलते ही रहता है, जांच एजेंसियों का डंडा चलता ही रहता है और वो पकड़े भी जा रहे हैं, और CO साहब भी उन्हीं में से एक हैं जिनके ऊपर वहां की जनता के द्वारा तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके ऊपर वहां की जनता के द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि वो हर काम का रेट बांधे हुए हैं, और जब भी लोग उनके पास अपने मसले को लेकर के जाते हैं तो उनसे बताते हैं कि इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, और इसी शिकायत के साथ वहां की जनता जो है प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी के पास पहुंच गए और अशोक चौधरी जी भड़क गए, और उसके बाद CO साहब को उन्होंने समझा दिया कि मैं आगे से ऐसा सुन लिया तो फिर आपकी खैर नहीं, आपके ऊपर FIR भी कराऊंगा और जेल में भी डलवा दूंगा। गलत काम करिएगा FIR भी करवाएंगे और गिरफ्तार करा के जेल भेजेंगे, बाद में सरकार के यहाँ भी प्रपत्र का गठित होगा, पब्लिक को परेशान मत करिए। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए और इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।